स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। जमीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक ऐसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आज पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग जरूरी थी, क्योंकि यदि हमारी डॉकिंग मनोवर हुआ है बगैर उसकी तस्वीर से हमें ऐसा लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर उसकी तस्वीर के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी इज्जत के कह सकता हूँ सारे जहाज से अच्छा। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है? आपको हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी थी, कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल अच्छी है। ज़्यादा खा रहे हैं हम, इसका कल जल्दी हमारी डॉकिंग इधर हुई, जो यहाँ नंबर ऑलरेडी थे मनोजा और अलेक, इन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ था टेबल पे, बिछाए हुए टेबल कवर, तो फूल तैयार किए हुए थे, प्लास्टिक के थे या फ्रेश मिल नहीं सकते, और गरम हमने खाना खाया। कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ नहीं महसूस हो रही है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम कोई नहीं है और सब हम बिल्कुल मजे में हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं। आपके कार्य का बहुत बड़ा महत्व है, इससे बाहे अंतरिक्ष के रहस्य खुलेंगे और हमारी धरती के पर्यावरण पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ज़रूरत की अन्य सूचनाएं भी हमें मिलेंगी। हम चाहते हैं कि इस ज्ञान का प्रयोग विश्व कल्याण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा ने भी बड़ी मेहनत की प्रशंसा करके। आपकी उड़ान भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री की एक सुंदर मिसाल है। इस क्षेत्र में सोवियत संघ के उदारतापूर्ण सहयोग की भारत सरकार सराहना करती है। हमारे देश के लोगों की निगाहें आपकी ओर लगी हैं और वे हमारी बातचीत भी सुन और देख रहे हैं। हमारे देशवासी, हमारा पार्लियामेंट और व्यक्तिगत रूप से मैं आप और आपके सह अंतरिक्ष यात्रियों की सफलता और सुरक्षित वापसी करते हैं। आप सबको मेरी